खाड़ी मतलब क्रीक, ऐसी जगह है जहाँ नदी आकर समुन्दर में मिलती है। यहाँ मिट्टी दलदली होती है और उसमें भरे होते हैं लवण। ऐसी खाड़ी में कभी ज्वार के समय पानी भर जाता है तो कभी भाटा के कारण पानी कम हो जाता है। इस मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत कम है और पानी में है बहुत सारे लवण। साधारण पेड़ पौधों को ना तो यहाँ सांस मिलेगी, ना मिलेगा पोषण और ना ही सहारा। अब आप ही सोचिए, ऐसी अजीब खारी और दलदली मिट्टी में भला किस तरह के पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं? हम मुंबई में एक ऐसी ही खाड़ी में हैं। यहाँ तो कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये यहाँ जिंदा कैसे रहते हैं? ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं, ये तो हैं मैंग्रोव्स, जो बिल्कुल इन्हीं परिस्थितियों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स यहीं के लिए अनुकूलित हैं। वन विभाग की सहायता से आज मैंग्रोव्स की सैर। इस समय भाटा है, छोर पर पानी उतरा हुआ है और दलदली मिट्टी में असंख्य जीव अपना पेट भर रहे हैं। केकड़े, घोंघे, मत्स्यकीपर और कई तरह के कृमि। हमें है ज्वार का इंतजार। पानी चढ़ा और हम हुए स्पीड बोट पे सवार। सवारी मैंग्रोव को पास से देखने के लिए। असल में मैंग्रोव कोई एक तरह का पेड़ या पौधा नहीं, बल्कि अनेक तरह के पेड़ और झाड़ियां हैं, जो समुन्दर और नदियों के संगम की दलदली और खारी मिट्टी में उगते हैं। हमारे दोनों तरफ इस समय मैंग्रोव्स हैं। इस तरह की दलदली मिट्टी में उगने और पनपने के लिए मैंग्रोव में हुए हैं अनेक अनुकूलन। सोच सकते हैं, यहाँ जड़ें इस तरह दूर दूर तक क्यों फैली हैं? ऐसी दलदली मिट्टी में खड़े हो पाना मुश्किल। ये जड़ें तो मैंग्रोव्स में एक खास प्रबंध है सहारा देने के लिए। सहारा देने वाली इन जड़ों को इंग्लिश में प्रॉप रूट्स कहते हैं। कई तरह के मैंग्रोव्स में ऐसी प्रॉप रूट्स का जाल फैला होता है। ये मिट्टी से बाहर निकला हुआ क्या है? ये भी जड़ें हैं और ये हैं सांस लेने के लिए विशेष अनुकूलन। इस मिट्टी में तो ऑक्सीजन बहुत कम है, इसीलिए ये विशेष जड़ें मिट्टी से बाहर ऊपर की ओर निकलती हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी से बाहर निकलती इन जड़ों को इंग्लिश में न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इन्हीं से होता है गैसों का आदान प्रदान। मजे की बात यह है कि ज्वार में, मतलब हाई टाइड के समय जब पानी ऊपर चढ़ता है, तो ये जड़ें खारे पानी में डूब जाती हैं। अब ये सांस नहीं ले सकती। लेकिन भाटा में, मतलब लो टाइड के समय जब पानी उतरता है, तो ये ऑक्सीजन अंदर लेती हैं। इन पत्तियों पर ये सफेद कण क्या हैं? ये तो नमक है। मैंग्रोव के परिवेश में तो पानी में बहुत सारे लवण, तो कुछ मैंग्रोव्स पत्तियों से लवण को बाहर फेंकते हैं। नमक से छुटकारा पाने के लिए अनोखा अनुकूलन। कुछ मैंग्रोव्स में नमक से बचाने का काम जड़ें करती हैं, जो छन्नी की तरह नमक को पानी से अलग कर देती हैं। पौधे के अंदर नमक को जाने से रोक देती हैं। जमीनी पौधों में फूलों का परागण होता है, बीज बनते हैं। बीज फैलकर जमीन में अंकुरित होते हैं और उन्हीं से नन्हे पौधे उगते हैं। मैंग्रोव्स में भी तो फूल आते हैं, परागण होता है, लेकिन बने हुए बीज अंकुरित होने के लिए क्या ये दलदली जमीन ठीक है? नहीं ना। इसीलिए मैंग्रोव्स में प्रजनन के लिए भी एक खास अनुकूलन दिखता है। कुछ मैंग्रोव्स में बीज व्यस्क पेड़ से अलग नहीं होते, पेड़ पर ही अंकुरित होते हैं और विकसित होते हैं।
वो तभी अलग होते हैं जब स्वतंत्र जीवन के लिए थोड़ा बड़े हो चुके हों। इन वाले मैंग्रोव में तो बड़ा विशेष प्रबंध, नोकीले भाले की तरह ये नन्हा पौधा दलदली मिट्टी में घुस जाता है और स्वतंत्र जीवन शुरू करता है। कुछ प्रजातियों में नन्हे पौधे पानी में तैरते हुए दूर दूर निकल जाते हैं और फिर दलदली मिट्टी में जड़ पकड़ते हैं। संतान को पैदा करने वाले जीव पिंडज वीवी पैरस कहलाते हैं। बिल्कुल उसी तरह नन्हे पौधों को ही पैदा करने वाले इन मैंग्रोव्स के इस प्रजनन को भी विविपैरी कहा जाता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है, इसीलिए मैंग्रोव्स में भारत भी बड़ा संपन्न है। तमिलनाडु में पिचावरम और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हमारे देश के सुप्रसिद्ध और समृद्ध मैंग्रोव जंगल हैं। बहुत समय तक मैंग्रोव्स को यूं ही काट दिया जाता था, उन्हें बेकार के वनस्पति माना जाता था, लेकिन इस सोच में परिवर्तन आया वर्ष 2004 में। इस वर्ष आए सुनामी में तटीय एशिया के गांव बर्बाद हो गए। सबका कहना था अगर मैंग्रोव होते तो इतनी तबाही नहीं होती। अच्छी बात यह है कि वर्ष 2017 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव जंगल काफी बढ़े हैं। मैंग्रोव्स के लाभ तो अनगिनत हैं। उनकी जड़ों के विस्तृत जाल में बड़े प्राणी आ नहीं पाते, इसीलिए बहुत से समुद्री जीव यहीं सुरक्षा पूर्वक प्रजनन करते हैं। उनकी संख्या बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब मैंग्रोव सुरक्षित और स्वस्थ होते हैं तो समुद्र और नदियों में मछलियों की भी प्रचुर मात्रा होती है। बहुत सी औषधियां मैंग्रोव से मिलती हैं, साथ में अनेक उपयोगी वस्तुएं भी। असंख्य पक्षियों और प्राणियों को अपना खाना और आश्रय मैंग्रोव में मिलता है। मैंग्रोव को तट रक्षक जंगल कहा जा सकता है क्योंकि तूफान और पानी के थपेड़ों की मार को मैंग्रोव कम करते हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी को साफ रखने का काम भी इनकी जड़ें करती हैं। इसीलिए मैंग्रोव्स की रक्षा करना तो पृथ्वी के हर समझदार नागरिक का कर्तव्य। अब आपके लिए एक काम, आज हमने मैंग्रोव में हुए अनुकूलन देखे और समझे, अब आप अपने आसपास उगने वाले पेड़ पौधों में हुए अनुकूलन ढूंढें और हो सके तो उन पर वीडियो भी बनाएं और शेयर भी करें।